हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को स्टार्ट किया था, काफ़ी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का ये जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग ज़रूर आता है, और ये बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ने के लिए बोला था। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को हमें करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रिमाइसिस और प्रपोजिशंस के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी की चेन में ये जो लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लॉजिक रिलेशनशिप को देखेंगे। अब लॉजिक रिलेशनशिप के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम लोग या तो छोड़ देते हैं या फिर अधिकतर लोग इसको क्वेश्चन को गलत करते हैं। बट ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए, थोड़ा डीपली एनालिसिस किया जाए, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। बट आपको जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो रिलेशनशिप है आपस में, बस वो याद रखने हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल और केवल उन रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन सी टर्मोलॉजीज होती हैं हम उनको देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास चार टर्मोलॉजीज है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्ररी, देन सब कंट्ररी एंड सब अल्टरनेशन। तो आज के इस लेक्चर में जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर जो हमारे पास चार टर्मोलॉजीज होती हैं उनके मीनिंग को हम समझेंगे, और अगले लेक्चर में हम जो इनका जो मीनिंग है, कैसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि ये प्रपोजिशन करेक्ट है या ये प्रपोजिशन फॉल्स है। जैसा कि एक क्वेश्चन में आया था कभी कि सम बर्ड्स आर मैमल, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सम बर्ड्स आर मैमल या फिर ऑल बर्ड्स आर मैमल, अगर मैं इसको फिर से बोलता हूं, ऑल बर्ड्स आर मैमल, ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट या ये प्रमाइसिस जो है ये फॉल्स है। तो कौन सा प्रमाइसिस ट्रू होगा, इससे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो पक्का है और इसके रिगार्डिंग इसके डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन को पुटअप करता है। तो उसको समझने से पहले आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इन टर्मोलॉजीज का मतलब क्या होता है। अब देखिए, हर टर्मोलॉजीज के अंदर दो प्रमाइसिस का होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके पास एक प्रमाइसिस, दो प्रमाइसिस होने आवश्यक है, कैसे फिर आपस में रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी, अब कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए हम पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास दो प्रमाइसिस या दो प्रपोजिशन है, ऑलवेज टेक अपोजिट वैल्यू। यानी अगर मेरे पास एक प्रमाइस है उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो दूसरे वाले प्रमाइस या दूसरे वाली प्रपोजिशन की वैल्यू फॉल्स होगी। अगर पहले वाले की फॉल्स है तो दूसरे वाले की ट्रू होगी। कैसे, जरा देखते हैं। ऑलवेज टेक अपोजिट वैल्यू, बोथ द प्रमाइसिस कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ द प्रमाइसिस कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अभी आप इसको सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिए, क्या मतलब होता है हम आगे के देखेंगे, चिंता मत करिए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जब हम पढ़ेंगे इसको डीपली मैं आपको बताऊंगा कि किन दो रिलेशनशिप्स के अंदर, किन दो प्रमाइसिस के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये बताना बहुत जरूरी है। उससे बताने से पहले इसको बताना जरूरी है कि रिलेशनशिप में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप भी होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नाम से पता चल रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट जो कर रहा है, यानी अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर पहला वाला फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, ये मीनिंग है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, ऑल बैट्स आर बॉल, यानी सभी बैट बॉल हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखें, सम बैट्स आर नॉट बॉल, सम बैट्स आर नॉट बॉल, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली होगा, आप करके देखिएगा इसको, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है ऐसा, आप इसका जब डायग्राम बनाएंगे, अगर मैं बोलूंगा देखिए, ऑल बैट्स आर बॉल, जब इसका आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, मैं एक रफ बना के देखता हूं, ऐसे बनाएंगे हम, ये बैट है और ये बाहर वाले बॉल हैं, B1 ले लेते हैं, ऑल बैट आर बॉल्स, जरा समझिएगा, ऑल बैट आर बॉल्स, तो सभी बैट बॉल हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि कौन सा बैट, सम बैट्स आर नॉट बॉल, ऐसा कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। तो अगर पहला वाला प्रमाइसिस ट्रू होगा तो दूसरा वाला फॉल्स होगा, और अगर पहला वाला फॉल्स होगा तो दूसरा वाला ट्रू होगा। अब किन दो प्रमाइसिस में यह ऐसा होता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे जब हम स्क्वायर ऑफ पोजिशन पढ़ेंगे, पर इसको जानना बहुत जरूरी है उस लेक्चर को पढ़ने से पहले, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत इतनी है नहीं। ओके, सो इसका मतलब हुआ, ऑलवेज टेक अपोजिट वैल्यू, बोथ प्रमाइसिस कैन नॉट बी ट्रू,
एट अ सेम टाइम एंड बोथ प्रोमाइसेस कैन नॉट बी फॉल्स एट अ सेम टाइम। अब मैं बार बार आपको सेम टाइम नहीं बोलूंगा क्योंकि हर केस के अंदर हम सेम टाइम की ही बात करेंगे। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब जरा देखते हैं, बोथ द प्रोमाइसेस कैन नॉट बी ट्रू एंड बट बोथ द प्रोमाइसेस कैन बी फॉल्स। इसका अर्थ ये हुआ दोनों के दोनों स्टेटमेंट या दो, देखिए मैं प्रोमाइसेस प्रोपोजिशन का मतलब स्टेटमेंट्स हैं तो मैं आगे गए उसमें स्टेटमेंट ही बोलूंगा। अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट एक अगर मैं लूं तो दोनों स्टेटमेंट कभी भी दोनों के दोनों इकट्ठे साथ में ट्रू वैल्यू एक्वायर नहीं करेंगे। अगर पहला वाला ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स होगा होगा, बट अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरा वाला भी फॉल्स हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है बट फॉल्स भी हो सकता है, हम पता नहीं कर सकते। बट दोनों स्टेटमेंट कभी भी इकट्ठे एक साथ ट्रू वैल्यू नहीं शो करेंगे। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ऑल बैट्स आर बॉल एंड नो बैट इज बॉल। अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बट अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को हम पता नहीं कर सकते। पहला दूसरा वाला ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बट दोनों के दोनों स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होंगे। ओके, इट मींस दैट इफ वन इज ट्रू, वन का मतलब है इफ पहला वाला, ओके इफ वन इज ट्रू, इफ फर्स्ट वन इज ट्रू देन सेकंड वन इज फॉल्स। मेरे को वन की जगह पर फर्स्ट लिखना था। इट मींस इफ वन मतलब फर्स्ट एंड अदर मींस सेकंड। इफ इट मींस इफ फर्स्ट इज ट्रू देन द सेकंड मस्ट बी फॉल्स, याद रखिएगा। बट अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले के बारे में हम पता नहीं कर सकते। इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स देन सेकंड वन इज अनडिटरमाइंड, इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। बट इफ फर्स्ट वन इज ट्रू देन सेकंड वन इज डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कभी भी ये ट्रू नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा अभी फिलहाल के लिए इसको आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट को, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स वो होते हैं, कॉन्ट्ररी लॉजिक्स वो होते हैं जिनमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू एट अ टाइम नहीं हो सकते हैं, बट दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं और दोनों के दोनों के बारे में, बट दोनों के दोनों ट्रू नहीं होंगे। इतना आपको समझ लीजिए, आगे के जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। देन सेकंड है सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होता है जरा देखते हैं। बोथ द प्रोमाइसिस कैन नॉट बी फॉल्स, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे एट अ टाइम फॉल्स नहीं हो सकते हैं, बट दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। यानी अगर पहले वाले ने फॉल्स वैल्यू ले ली है दूसरे वाले को ट्रू वैल्यू लेनी ही पड़ेगी, बट अगर पहले वाले ने ट्रू वैल्यू ले ली है दूसरे वाला वैल्यू फॉल्स भी ले सकता है और ट्रू भी ले सकता है। सेम केस इसी की तरह, बट इसका एकदम अपोजिट, कॉन्ट्ररी का एकदम अपोजिट। कॉन्ट्ररी में पढ़ा था कि दोनों के दोनों वैल्यूज, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते हैं, अगर पहला वाला ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स होगा। इसमें एकदम उसका क्वाइट अपोजिट है, बोथ द प्रोमाइसिस और बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट अ टाइम। अगर पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू होगा होगा। इट मींस दैट, एग्जांपल देखते हैं, सम बैट्स आर बॉल, सम बैट्स आर बॉल। अगर ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू 100% होगा। आप करके देख लीजिएगा वेन डायग्राम की हेल्प से। इट मींस दैट इफ वन मतलब फर्स्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी, इफ फर्स्ट एंड अदर मतलब सेकंड, इफ वन इज फॉल्स द अदर मस्ट बी ट्रू, इफ फर्स्ट इज फॉल्स द अदर मींस सेकंड मस्ट बी ट्रू। इतना समझना है, आप इसको एक बार करके देखिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देन सेकंड स्टेट लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है बट आराम से हो जाएगा। सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन मंस का मतलब होता है, अब देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सल प्रोपोजिशन और पर्टिकुलर प्रोपोजिशन पढ़ाया था कि क्या होता है जरा देख लेते। सब अल्टरनेशन का मतलब है अगर मेरा यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू है, अगर मेरा यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू है
तो उसका पर्टिकुलर प्रपोजिशन ट्रू होगा. कैसे होगा देखते हैं. ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल, इसका अगर हम पर्टिकुलर प्रपोजिशन निकाले इसका अर्थ होता है सम बैट्स आर बॉल होता है. अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा. जरा समझिएगा इस बात को. अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा. कैसे? अगर ये ट्रू होगा दूसरा वाला तो हम कह नहीं सकते कि पहला वाला भी हमारा ट्रू हो. यानी इसका क्वाइट रिवर्स पॉसिबल नहीं है. ये मैंने लिखा नहीं है, बस बोल रहा हूं. देखिएगा आप, इफ द यूनिवर्सल प्रपोजिशन इज ट्रू देन द पर्टिकुलर प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू. ये समझना है. अगर पहला वाला प्रपोजिशन मेरा ट्रू है देन सेकंड मस्ट बी ट्रू, बट अगर सेकंड वाला ट्रू है तो फर्स्ट वन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. यानी फर्स्ट वन जो है वो अनडिटरमाइंड है. और याद रखिएगा सब अल्टरनेशन हमेशा यूनिवर्सल प्रपोजिशन से पर्टिकुलर प्रपोजिशन तक होता है अगर वैल्यू ट्रू है. यानी अगर मैं यूनिवर्सल प्रपोजिशन की बात करूं और यहां पर मैं अगर पर्टिकुलर प्रपोजिशन की बात करूं तो ट्रू वैल्यू मेरी हमेशा यूनिवर्सल से लेकर पर्टिकुलर तक ट्रेवल करती है. अगर मेरा यूनिवर्सल उसका यूनिवर्सल प्रपोजिशन ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर प्रपोजिशन 200% होगा. ये बताना है मेरे को आपको. बट इसका क्वाइट रिवर्स अपोजिट नहीं होता. एक और केस है इसका, इफ द पर्टिकुलर प्रपोजिशन इज फॉल्स. अगर मेरा पर्टिकुलर प्रपोजिशन फॉल्स है तो मेरा यूनिवर्सल प्रपोजिशन भी फॉल्स होगा. कैसे? जरा देखें एग्जांपल. अगर मेरा सम बैट्स आर नॉट बॉल, अगर मेरे कुछ बैट बॉल नहीं है और ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है तो ऑल बैट्स आर बॉल, ये स्टेटमेंट भी मेरा फॉल्स होगा. इतना मेरे को आपको बताना है. और आप इसको देखेंगे जब हम अपना स्क्वायर ऑफ पोजिशन देखेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं हट जाता हूं, आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा. एक बार मैं इसको आपको और रिवाइज करा दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा. मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये चैप्टर, ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करने के लिए. और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए आप दो तरह के इन्फ्रेंसेज होते हैं. एक तो इमीडिएट इन्फ्रेंस होते हैं, एक होता है मेरा इमीडिएट इन्फ्रेंस. यानी अगर मेरे पास एक ही प्रमाइसिस है या एक ही प्रपोजिशन है और उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू मुझे दे रखी है तो बाकी की तीन रिमेनिंग वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा. और रिमेनिंग वैल्यू कैसी है, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट की चार वैल्यूज होती हैं, या तो वो यूनिवर्सल प्रपोजिशन में आएगा और वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी. यानी ऑल बैट आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल, या तो ये होगा, या फिर दूसरा नो बैट्स आर बॉल, नो बैट इज बॉल, ये होगा, या फिर सम बैट्स आर बॉल, ये होगा, या फिर फोर्थ वन सम बैट्स आर नॉट बॉल. केवल यही चार केस बनते हैं हमारे. वैसे तो केस और भी बनते हैं बट हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार ही केस लेंगे. तो अगर मेरे को केवल एक स्टेटमेंट की ट्रू और फॉल्स वैल्यू पता है इन चारों में से, तो मैं बाकी की ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? इसलिए हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यूज करते हैं. और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमारे लिए इमीडिएट इन्फ्रेंस के लिए होता है. इमीडिएट इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, अगर मैं एक ही स्टेटमेंट मुझे दे रखा है, एक ही प्रमाइसिस की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या? एक ही प्रमाइसिस या एक ही प्रपोजिशन से हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं क्या? अब देखिए, हमने जो क्वेश्चन किए थे सिलोजिस्ट में, उसमें हमने एटलीस्ट दो प्रमाइसिस को यूज किया था और तब हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाए थे. बट अगर मैं इमीडिएट इन्फ्रेंस की बात करूं तो इमीडिएट इन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट से अगर हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं उसका मतलब होता है इमीडिएट इन्फ्रेंस. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डीपली बताऊंगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. चलिए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी नाम से पता पड़ रहा है, ऑलवेज टेक्स अपोजिट वैल्यू. ऑलवेज टेक्स होना चाहिए, टेक लिखा है, गलती है. बोथ द प्रमाइसिस कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ द प्रमाइसिस कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम. जैसे ऑल बैट्स आर बॉल और सम बैट्स आर नॉट बॉल, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी, बोथ द प्रमाइसिस कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ द प्रमाइसिस कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम. कैसे?
ऑल द बैट्स आर बॉल, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ओके बट अगर ये फॉल्स है तो ये दूसरा वाला ट्रू हो भी सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. इट मींस दैट इफ फर्स्ट वन इज ट्रू देन द सेकंड वन मस्ट बी फॉल्स, बट इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स देन वी कैन नॉट से दैट द सेकंड वन मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. ओके देन नाउ सब कंट्रेरी, सब कंट्रेरी का मतलब ये होता है बोथ द प्रमिसेस कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट द बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम. कैसे? सम बैट्स आर बॉल एंड सम बैट्स आर नॉट बॉल. अगर इसको देखें तो अगर ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा, पर अगर ये ट्रू है तो हम दूसरे वाले के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. इट मींस दैट इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स देन द सेकंड वन मस्ट बी ट्रू. ओके बट इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द सेकंड वन. देन द सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन में बोलता है इफ द यूनिवर्सल प्रपोजिशन इज ट्रू, यानी अगर मेरा यूनिवर्सल प्रपोजिशन ट्रू है तो मेरा उसका पर्टिकुलर प्रपोजिशन 100% ट्रू होगा. एग्जाम्पल है ऑल बैट्स आर बॉल देन द सम बैट्स आर बॉल. अगर पहला वाला ट्रू है तो दूसरा वाला भी ट्रू होगा, बट अगर मेरा पहला वाला फॉल्स है तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता. ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ध्यान में रखिएगा. इफ द पर्टिकुलर प्रपोजिशन इज फॉल्स, अगर मेरा पर्टिकुलर प्रपोजिशन फॉल्स है तो मेरा उसका जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन होगा वो भी फॉल्स होगा. यानी जब मैं यूनिवर्सल प्रपोजिशन से पर्टिकुलर प्रपोजिशन की बात करूं तो यूनिवर्सल प्रपोजिशन से पर्टिकुलर प्रपोजिशन की में ट्रू की वैल्यू यूनिवर्सल प्रपोजिशन से पर्टिकुलर प्रपोजिशन की वैल्यू की तरफ जाती है, और अगर हम फॉल्स की बात करें तो पर्टिकुलर प्रपोजिशन से वैल्यू हमारी यूनिवर्सल प्रपोजिशन की तरफ ट्रेवल करती है. इतना समझना है आपको. ठीक है, और एग्जाम्पल आपके सामने है ही, सम बैट्स आर नॉट बॉल, अगर ये मेरा फॉल्स है तो 100% ऑल बैट्स आर बॉल, ये भी फॉल्स होगा. अब हम अगले लेक्चर में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे सारी टर्म आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. अगर होगी तो उसके बाद भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक और होगा मैं वो क्रिएट कर दूंगा, बट आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी इस लेक्चर में. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन इसके अंदर आता ही आता है, क्योंकि जब हम लॉजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पता नहीं होता कि कौन कौन से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं. ये चार तरह के रिलेशनशिप हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने, वैसे और भी होते हैं बट हम इसको ट्रेडिशन जो हमारा ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसके अंदर केवल चार हमारे पास थे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पढ़ेंगे. और अगर किसी भी तरह के स्टूडेंट्स आपको परेशानी होती है तो आप मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं बाकी के उनमें सारे के सारे आपको सजेस्ट करूंगा किस तरह की आपको पढ़ाई करनी है. और याद रखिएगा एग्जाम आ रहा है और दिवाली भी आ रही है, और दिवाली पे अब मुझे पता नहीं कि लेक्चर कब अपलोड होगा बट मोस्ट प्रोबेबली दिवाली पे हो सकता है, दिवाली निकल गई हो या फिर आ रही हो, तो आप खुद देख लीजिएगा लेक्चर कब अपलोड होता है ये. बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ पढ़ाई करिए और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लास्ट मोमेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, और किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे आप मेल करिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.